हाय, अब कैसी तबीयत तेरी? तबीयत थोड़ी ठीक है, बट ये ब्लॉक नोज अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। मेडिसिन तो ले ली, अभी तो ठीक हूँ, बट नोज नहीं ठीक हो रहा। लाइक इनहेलर जो आज के डेट में मोस्टली यूज होते हैं, इनहेलर मुझे बहुत इरिटेट कर देते हैं, बिकॉज पुदीना कैम्फर इसकी स्मेल मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। सेंसिटिव तो हूँ। क्या कोई होम रेमेडीज हैं जो मैं ट्राई कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। योगा में बहुत सारी, इवन आयुर्वेदा और योगा एक कम्बाइंड टर्म है। वो सिंपल से ऐसे होम रेमेडीज है जिसके थ्रू आप ब्लॉक नोक से भी, मतलब विद इन 3 or 4 hours में ही आपका 50% ठीक हो सकता है। सो यू वॉन्ट टू नो? ऑब्वियसली येस। ओके, सो आप सबको भी ये सब जानना होगा कि ऐसा कौन सी होम रेमेडीज है जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉक नोज को 3 या 4 घंटों में ठीक कर सकते हो, और हो सकता है कुछ लोगों को इफेक्टिव है, तो आप उसको ट्राई करो। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन अगर आप इतने सेंसिटिव हो कि आप उन्हें इनहेलर को टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं सरसों का तेल, होप यू ऑल नो अबाउट इट। होप, जी हाँ, जो आप घर में सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल यूज़ करते हो वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपके जुकाम को 3 या 4 घंटों में ही ख़त्म कर सकता है। तो आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि आप मस्टर्ड ऑयल के थ्रू कैसे अपने ब्लॉक नोज से, मतलब, छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, अनहाइजेनिक फील होता है जब भी आप इस सिचुएशन में होते हो, राइट? ऑब्वियसली यस। मतलब मैं अपनी पूरी स्किन छील देती हूँ टिश्यू से साफ कर करके, बिकॉज आई कांट। और ये बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक होता है, मतलब हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। और वांट टू नो ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिससे हम इससे लाइक छुटकारा मिल जाए। उसे गर्म करो, हल्का गुनगुना गर्म करना है कि अभी के लिए बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो उसका एक ड्रॉप आप सिंगल नोस्ट्रिल में डालोगे, यू विल पुट वन ड्रॉप, यू कैन यूज़ अ ड्रॉप, पर आप सिंगल ड्रॉप नोस्ट्रिल में डालोगे और उसके बाद कम से कम 5 या 10 मिनट तक आपको लेटे रहना है। आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है इस लेवल तक कि वो आपके नोस्ट्रिल के टिप तक पहुँच जाए, उसके बाद आप मूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद कोई उसके बाद कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी हीलिंग वो खुद को खुद सरसों का तेल अपने आप ही कर देगा, और यू विल फील कि आपको फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही, बट ये एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि वो लगता है, लाइक यू विल फील इरिटेशन, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन हो, जो कि इसलिए होती है क्योंकि वो हीलिंग कर रहा होता। तो बहुत, सरसों का तेल हर कोई टॉलरेट तो नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बहुत इरिटेट हो जाता है। क्या लोगों में से हो जो कि सरसों का तेल बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हो? तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है आपके पास गाय का घी। अगर देसी गाय का घी मिल सकता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास देसी गाय का घी नहीं है तो उसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हो लाइक कोई भी नॉर्मल, मतलब अच्छी क्वालिटी का घी यूज़ करना है। उसको आप गर्म करोगे, हल्का गुनगुना गर्म करना है, ड्रॉपर के यूज़ करना है, और एक एक बूंद दोनों नोस्ट्रिल में डालनी है आपको। और ये करने के बाद अगर आप शाम के टाइम करोगे लाइक खाना खाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपको सीवियर हो रहा है, लाइक अगर अभी आपको ये होती है कि मेरे को अभी रिलीफ चाहिए, तो यू कैन पुट इट नाउ, तो भी आप डालोगे, 10 मिनट तक कुछ नहीं करना है, जस्ट लाई डाउन। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद ही आप फील करो कि आपका काफ़ी हद तक आपको रिलीफ फील हो रहा है, और यू कैन टेक योर ब्रीथ लाइक प्लीजेंट ब्रीथ, जो हम बोल सकते हैं कि जब भी आपका ब्लॉक नोज होता है तो आप तरस जाते हो कि आपको अच्छी सांस आ जाए। और कोई क्वेश्चन, लाइक और कोई क्वेरी? और अगर मुझे योगा करना हो तो? ओके, हैव यू ट्राइड? अलोम विलोम भी नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा ब्लॉक नोज है। और ये इश्यू तो सबके साथ होता है, जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो, और जब भी आपका ब्लॉक नोज होता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। कपाल भाती तो आप फिर भी कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन अलोम विलोम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम देखते हैं कि जब भी आपका ब्लॉक नोज होता है तो आप कैसे ब्रीदिंग करते हो। कैन यू शो मी हाउ यू डू इट? सेम, यही सबके साथ होता है कि जब भी आप फोर्सफुली अलोम विलोम करने की कोशिश करते हो तो ऐसा आपके साथ होता है, तो इसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन एक सिंपल सा एक हल्का सा चेंज करना है जब भी आप ये सेम चीज़ कर रहे हो, और वो चीज़ इतनी इफेक्टिव है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बेनिफिट भी होगा आपको, कर तो आप पाओगे बल्कि उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो आप जानना चाहोगे कैसे? सो फर्स्ट, जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जब भी लोग फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, जब भी ब्लॉक नोज होता है, कोई भी ऐसा इशू होता है, तो लोग ऐसे करते हैं ब्रीदिंग, जो कि आपकी नसों को और ज़्यादा टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से इशू और इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब भी आपको ब्रीदिंग करनी है फोर्सफुली, एफर्टलेस ब्रीदिंग करनी है, स्मूथ ब्रीदिंग करनी है, एफर्टलेस ब्रीदिंग करनी है, चाहे बिल्कुल ही हल्की सी आपकी 2 सेकंड क्यों ना हो, तो वो आप करोगे लाइक दिस।
like this. So if you want to try, just try it now. Hold. अभी आपने ब्रीदिंग की है तो एक नया तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी इस पोजीशन में आप ब्रीदिंग को होल्ड करोगे. आई विल काउंट फाइव एंड यू विल होल्ड योर ब्रीदिंग. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो नाउ ब्रीद आउट फ्रॉम ऑपोजिट साइड. रिलैक्स इस कर रहे हो. अगर आप ये टेक्निक के साथ करोगे तो आपको डेफिनेटली करने में ही मज़ा आएगा. वो चीज़ जिसको करने में पहले आपको ज़बरदस्ती वाली फीलिंग आ रही थी, तो आप ये करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वाली फीलिंग आएगी अंदर से ही. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. चैनल पे नए हो तो क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन और प्रेस दैट नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. एंड तो ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर प्लीज़ ज़रूर करना. और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए. और थैंक यू एंड कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.